और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है यूपी से। बलिया के आरोपियों के साथ खुलकर आ गए हैं बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह ने किया है हत्या के आरोपी धीरेंद्र सिंह का बचाव। धीरेंद्र के परिवार के साथ अस्पताल पहुंचे सुरेंद्र सिंह और बोले कि हमारे पक्ष को भी सुना जाए। धीरेंद्र के परिवार के लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, ये कहा है बीजेपी एमएलए ने। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, उसकी बहन मातारी और बेटी जो है पीड़ित होकर के लाठी डंडा खा करके हाथ पैर तोड़वा करके टूट करके जो बिलख रही हैं लोग, आप लोग आए हैं तो देख लीजिए, हॉस्पिटल में भी चले जाइए जरा, आप लोग उधर भी जाकर के देख लीजिए। माने 10-10 लोग जहां चोटिल हो गए हैं, तो क्या यह अपराध नहीं है? यदि यह अपराध है तो इसको भी अपराध की कोर्ट में मान करके एक प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक का इशारा ये है कि वो एफआईआर नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग मुलजिम, ये इशारा है, हम लोगों की बात हुई। ऐसा है, नहीं करेंगे तो जो है जो भी होने लायक होगा इसके लिए संघर्ष होगा। कोर्ट का सहारा लेंगे? हाँ, कोर्ट का सहारा लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसके लिए सत्याग्रह करेंगे। और बलिया गोलीकांड पर सियासत शुरू हो गई है। स्थानीय विधायक ने हिंसा को जातिवाद का जामा पहना डाला है और आरोपी बेगुनाही के वीडियो जारी कर रहा है। बलिया गोलीकांड की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि किसने गोली चलाई, किसने किसको मारा। गुनाह भी सामने है और गुनहगार भी। लेकिन बलिया के विधायक बाबू का ये बयान सुनिए। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक। विधायक सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर तालियां बजी, उन्हें वाहवाही मिली। लेकिन इस विवादित बयान ने यूपी में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। तो क्या सियासी माइलेज का मौका है? क्या यूपी में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है? गुनहगार को बचाने की कवायद क्यों? सब सुरेंद्र सिंह विधायक का काम है, वो बीजेपी विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो जो चाहते हैं जनवा वही कराते हैं जनवा। और पिताजी को जिस तरह गोली लगा है वो सब दिखाई दे रहा है, तभी भी ये जितने मीडियम है सबका आँख बंद है। विधायक के बयान के बाद इधर मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह का हौसला भी बढ़ा है। हालांकि वो कानून की गिरफ्त से दूर है, लेकिन बयान जारी कर उसने अपने आप को बेगुनाह बताया है। एक तरफा हमारे घर को टॉर्चर किया जा रहा है, 8-8 आदमी आरोपी है, जबकि उधर से कम वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो सही हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने धीरेंद्र सिंह समेत सभी फरार 6 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। सभी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। तमाम गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हो पाई हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का आरोप है कि न सिर्फ खादी बल्कि खाकी भी इसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही हो। इधर विधायक सुरेंद्र सिंह ने कत्ल की सनसनीखेज वारदात को प्रतिक्रिया बताया है। इस मामले में आरोपी धीरेंद्र सिंह के समर्थक आज रेवती थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे, जिनके साथ बीजेपी विधायक धीरेंद्र सिंह भी होंगे। इस बीच परिवार के लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। News Stop 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।